मोटर्स के एक नए वीडियो में, और मेरे पीछे आप देख सकते हो इको है, सामने आप देख सकते हो सेंट्रो खड़ी है, और अंदर कलेक्शन है भाई काफी तगड़ा वाला। और मेरे साथ है आज मकसूद भैया। तो पहले बताइए मकसूद भैया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी गाइस, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो आ जाएगा। तो आज अपन कौन कौन से लॉट देखने वाले हैं भैया, ये बता दीजिए। आपके पास इस बार काफ़ी रेंज है मेरे पास जी, काफ़ी रेंज। अब आपको एक एक डिटेल देता हूँ मैं, उसके बाद आप बताइएगा जी। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपन इको से, इसके बारे में बताइए कुछ। इको ये 2010 मॉडल गाड़ी है, टायर पर एकदम मतलब कंप्लीट है, एकदम बॉडी मतलब हर एंगल से सही है। और ये रेट भाई 160 के आसपास है, केवल 160,000 में। यानी जो 2010 मॉडल, यानी जो कमर्शियल यूज़ के लिए गाड़ी खोज रहा है उसके लिए भाई एक बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पे। ये देख सकते हो टायर भी सही है, और इंटीरियर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो मैट्स वगैरह पूरे नए से लगे हुए हैं। और ये गाड़ी आपको केवल मिलेगी 160,000 में, और भाई यहाँ पे प्राइस नेगोशिएबल है, क्योंकि आप यहाँ आएंगे भैया। शॉप का एक बार लोकेशन बता दीजिए, लोगों को अक्सर कंफ्यूज होता है। शॉप का लोकेशन है चांदनी चौक जी, शास्त्री ऑटो डील, चांदनी चौक अंबिकापुर में आपको ये शॉप देखने को मिलेगा। और आप यहाँ आएंगे तो भरपूर रूप से आपको मकसूद भैया की तरफ से प्यार मिलने वाला है, नो डाउट। और ये गाड़ी का अपन बता चुके हैं भैया, यहीं से बता दीजिए सेंट्रो के बारे में कुछ। सेंट्रो 2007 मॉडल गाड़ी है जी भैया, 80,000 उसका रेट है। 80,000? हाँ 80,000, पूरे दो सामने के नए टायर हैं जी, मतलब वेल कंडीशन में गाड़ी है, एसी वगैरह सब कंप्लीट है एकदम जी। एक बार देख लेते हैं गाड़ी को भाई, कलर एकदम ब्लू में है, काफी सही दिख रहा है। तो ये देख लो भाई, सीट्स वगैरह पूरे नए से हैं, और ये है 2010 मॉडल बोले ना भैया, 2007 मॉडल का ये सेंट्रो। ये देख लो भाई, टायर पूरे नए से लगे हुए हैं। तो भैया ये भी सेल में है अपने पास? बिल्कुल, ये भी सेल में है, अभी पूरी रीपेंट हुई है जी, और मतलब इसमें ब्लैक एडिशन मैंने किया है अलाइविल में, टायर वगैरह पूरा अच्छा। हाँ ये आप देख सकते हो भाई, ये सब पूरे ब्लैक आपको करके दिए हैं। और भैया इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। ये 2008 मॉडल गाड़ी है, 125,000 रुपये इसका रेट है, इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा। केवल 125,000 भाई, काफ़ी बेहतरीन माइलेज फुल गाड़ी आप ले सकते हो। ये देख लो सीट्स वगैरह, और ये है अल्टो की एलेक्साई, रिपेंट गाड़ी है भाई, काफ़ी सही दिख रहा है। ये देख लो चक्के भाई। उसके बाद आते हैं मोस्ट सेलिंग कार में, मारुति सुजुकी की K10 जो काफ़ी डिमांडेड में है जी। CG15 और 2012 मॉडल, फर्स्ट ऑनर की गाड़ी है ये जी, और इसका 160 रुपये है, केवल 160,000 में आपको मिलता है मारुति की K10। और भाई ग्लास इसमें टिंटेड है, काफ़ी सही दिख रहा है। और ये देख लो भाई इंटीरियर, अंदर आपको मैट्स नए से देखने को मिलेंगे, सीट वगैरह काम हुआ है भाई, काफ़ी अच्छा दिख रहा है भैया, अंदर से तो काफ़ी तगड़ा है, A1 कंडीशन में गाड़ी है भाई। और ये गाड़ी कितने में भैया, एक फाइनल प्राइस बताइए। फाइनल मतलब 155 तक छोड़ दें। 155 तक? तो भाई 155 तक K10 आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा एवरेज निकाल के देती है ये जो गाड़ियाँ अपन आपको बाहर दिखाए। तो अब चलते हैं अपन भैया अंदर, चलते हैं भाई अंदर। और अब आने वाला है अपने पास गाड़ियों का भंडार, जिसको चाहिए हर प्रकार की गाड़ी वो यहाँ आके ले सकता है भाई। स्टार्ट करते हैं अपन स्विफ्ट से, भैया इसके बारे में बताइए कुछ। ये 2007 मॉडल गाड़ी है जी, और सेकेंड ऑनर है गाड़ी की जी, गाड़ी का रेट 1,60,000। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ भाई गाड़ी का कंडीशन, देखो टायर पूरे नए से लगाए हैं, इंटीरियर भाई सीट वगैरह काम हुआ है, काफ़ी सही दिख रहा है, हर गाड़ियों में भैया ने सीट का काम करवा दिया है। और बाकी जो आपको यहाँ पे छोटे मोटे काम दिखेंगे वो सब भैया करवा के देंगे। तो अब आते हैं भैया ओमनी पे, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग अभी चल रही है, ये भी मोस्ट सेलिंग कार है। सबसे डिमांडेड 2006 मॉडल गाड़ी, 2006 मॉडल, 95,000 इसका रेट है जी, पॉसिबल हो जाएगा, दो टायर सामने के नए हैं, हेडलाइट वगैरह सब नए हैं। तो भाई देख सकते हो, ये देख सकते हो पूरे नए से हेडलाइट है, और एक राउंड रिपेंटेड है गाड़ी। हाँ, एक राउंड रिपेंटेड। और भाई गाड़ी कितने में छोड़ेंगे भी, एक बार प्राइस बताइए एक बार और। 95 है,
देखो भाई इतना कम आपके लिए कर दे रहे हैं, 95,000 में आपको एक काफ़ी अच्छा खासा कमर्शियल यूज़ के लिए, ऐसी नहीं कि गाड़ी आपको अच्छी नहीं मिल रही है, पूरी बना के भाई देखो नए हेडलाइट्स वगैरह ये सब कंप्लीट करके अपने को मिल रहे हैं। तो ये गाड़ी अपने को भाई जिनका बजट लो है 80 से 90 हज़ार का जो लेना चाहते हैं उनके लिए भाई ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत से लोगों का कहना है भाई कुछ कमर्शियल गाड़ी दिखाओ, कुछ अपने यूज़ की गाड़ी दिखाओ जो अपने को यूज़ में आए, तो भाई उनके लिए ये गाड़ी काफ़ी सूटेबल है। अब आते हैं अपन दूसरे गाड़ी पे, ये है भाई MPV, इसका कोई टक्कर नहीं है, ये है इनोवा। कौन सी मॉडल है भैया ये बता दीजिए। ये है 2011 मॉडल, फर्स्ट सेकेंड ओनर गाड़ी है जी, और काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इसका और मतलब एकदम कंप्लीट गाड़ी है। कितने पड़ जाएगी भैया, कितने इसका रेट क्या है? रेट तो मैंने 5 रखा है, हो जाएगा उसमें। तो भाई 5 लाख में आपको मिलती है इनोवा, और ये देख लो टायर वायर भी कंडीशन में है। इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख लो भाई अच्छा खासा इसमें आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। तो आप आते हैं भैया महिंद्रा की मैक्सिमो पे, इसके बारे में बताइए कुछ। ये 2012 मॉडल गाड़ी है, इसको 1 लाख में छोड़ देंगे केवल 1 लाख। तो भाई 1 लाख में आपको मिलता है पिकअप वैन, ये देख सकते हो स्कूल वगैरह के लिए काफ़ी सही है भैया, स्कूल वगैरह के लिए ना। तो देख लो भाई इजीली आप बच्चे बैठा के इसको एक अच्छा कमर्शियल पर्पज़ में ला सकते हो। आते हैं दोबारा इनोवा पे, 2013 मॉडल इनोवा है ये जी, 5.5 लाख रुपए इसका रेट है, इसमें भी नेगोशिएबल। तो भाई इसमें भी प्राइस नेगोशिएबल है, टायर भी आपके नहीं तो नहीं 70% है। चलते हैं भाई अंदर, सीट काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका, ओरिजिनल से सीट हैं पूरे, और ये वो वाला मॉडल है जिसमें बीच में आपको कोई हम्प्स देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं तो बाकी हर इनोवा में जैसे पिछले वाला जो इनोवा था उसमें आपको सीट्स को फोल्ड करके पीछे वाले जो बंदे हैं वो जाते हैं, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट बीच से ऐसे जा सकते हो। तो ये इनोवा में थोड़ा ये अलग से आपको देखने को मिलता है। एक बार और बताइए भी इसका प्राइस कितना बोले, 5.5 लाख ना? 5.5 लाख। तो भाई 5.5 लाख में आपको मिलती है इनोवा 2013 मॉडल। अब आते हैं भैया फोर्ड की फिगो पे। एक तो भैया पहले मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि फोर्ड यार अपने इंडिया छोड़ के चल गई, आपको क्या लग रहा है भैया? मतलब सर्विस तो देगा 10 साल तक? बिल्कुल सर्विस तो देगा, लेकिन मतलब इन सब गाड़ियों का जो मज़ा है ना वो आपको मारुति सुजुकी ये है भैया, फोर्ड का एक अलग ही गाड़ी रहता है, अलग ही लेवल है इन सब गाड़ियों का जी। भैया इसके बारे में बताइए भैया कुछ। ये 2011 मॉडल सेकेंड ओनर फोर्ड फिगो है, ये आपको 1.30 तक छोड़ देंगे केवल 1,30,000 में। जो फोर्ड की फिगो चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है भाई। टायर भी देख लो पूरे नए से लगे हुए हैं, ये देखो हॉट व्हील्स लगे हुए हैं भाई, और ये है अंदर काफ़ी अच्छा किया है भैया ने, ये जो सीट लगाया है काफ़ी अच्छा सीट दिख रहा है भाई, लंबर जैक सपोर्ट वगैरह है इसमें, और ये देखो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अच्छा खासा चलता फिरता है। तो ये है फोर्ड की फिगो, और एक बार और बता दीजिए भैया इसका प्राइस। इसका प्राइस है 1,30,000, केवल 1,30,000 में भाई आप ले सकते हो फोर्ड की फिगो। अब आते हैं अपन अशोक लेलैंड पे, कमर्शियल गाड़ी है अशोक लेलैंड 2014 मॉडल जी, रीपेंटेड है और गाड़ी एकदम A1 कंडीशन में है, इसका रेट है 2.5 लाख रुपए। तो भाई 2.5 लाख में आप ले सकते हो अशोक लेलैंड, और ये देख लो लाइट वगैरह भैया इसमें नए से लगवाए हैं, सामने के बम्पर भी नए लगे हुए हैं, और देख लो गाड़ी रीपेंटेड है, अंदर से काफ़ी अच्छा पेंट हुआ है भाई, और ऊपर से भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाला, तो काफ़ी बड़ा डाला है ये। तो भैया ये कौन सा मॉडल है एक बार और बताते। 2014 मॉडल है भाई, और कितने में छोड़ेंगे भैया इसको? इसको छोड़ देंगे हम आपको 2,45,000। तो केवल 2,45,000 में भाई आप एक कमर्शियल यूज़ के लिए डाला वाला गाड़ी ले सकते हो। अब आते हैं जाइलो पे भैया, ये इसके बारे में बता दीजिए कुछ। महिंद्रा जाइलो 2013 मॉडल जी, फर्स्ट ओनर, इस गाड़ी को मैं छोड़ दूंगा 2 लाख रुपए में। केवल 2 लाख रुपए में भाई जाइलो ले जाओ, और एक समय पे जाइलो MUV ऑफ द ईयर था, यानी मतलब MUV जो सामने खड़ी हुई है वो इनोवा वो नहीं था भाई, ये था एक समय पे, क्योंकि इसका जो पीछे का सीटिंग आप देख सकते हो, सीट तो खैर नए से लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है सीट, लेकिन पीछे का जो इसका सीटिंग पोजीशन होता है वो काफ़ी एरिया रहता है,
काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये, तो इसके ये प्राइस बताइए भैया कितने तक में छोड़ेंगे इसको? छोड़ूंगा मैं 2 लाख रुपये। तो भाई केवल 2 लाख में आप ले जा सकते हो ज़ाइलो का D4 वेरिएंट CG16 नंबर के साथ। और आते हैं भैया अपन दूसरे गाड़ी पे। अब जितनी भी गाड़ियाँ दिखेंगी आपको ये सब SUV दिखने वाली हैं महिंद्रा की। और स्टार्ट करते हैं अपन देसी जी वैगन से, अक्सर मैं कहता हूँ ये है बोलेरो। मॉडल बता दीजिए भैया। ये है 2016 मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, ठीक है, DI टर्बो जी। बहुत अच्छी कंडीशन में, चारों टायर नए हैं और सामने में नए टाइप के ग्रिल लगे हुए हैं इसमें। और ये गाड़ी 1.5 लाख के समथिंग चली हुई है जी। कितना में छोड़ेंगे रेट? ये 4.5 लाख रुपये इसका रेट है। तो 4.5 लाख में भाई बोलेरो ले जाओ। और ये टायर देख लो, पूरा नया है और चारों टायर नया है। ये देख लो इंटीरियर भी बढ़िया है। इंटीरियर देख लो गाइस, AC वगैरह सब वर्किंग है ना। सीट भी देख लो पूरे नए से हैं। तो ये थी बुलेरो। अब आते हैं स्कॉर्पियो पे, इसके बारे में बताइए भैया कुछ। ये है 2013 मॉडल स्कॉर्पियो, फर्स्ट ओनर, और इसका प्राइस है 5.5 लाख रुपये। केवल 5.5 लाख रुपये 2013 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी मिल रही है आपको। टायर पूरे नए से हैं, वंडरर के टायर लगे हुए हैं चारों। और इंटीरियर दिखा दे रहा हूँ भाई आपको, ये अब तक काफ़ी हद तक अच्छा इंटीरियर आप बोल सकते हो भाई। ये देख लो सीट वगैरह जो है काफ़ी अच्छा इसमें लगा हुआ है। ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है स्कॉर्पियो के लिए। मैं आपको इसमें वेरिएंट दिखा दे रहा हूँ। ये है स्कॉर्पियो का M2DI ना भैया? M2DI ये सेकंड टॉप था। तो ये गाड़ी भैया कितना बोले एक बार और रेट बताइए? 5.5 लाख। 5.5 लाख में भाई M2DI आप ले सकते हो। लोग अक्सर कहते हैं भैया अभी जो इंजन आया हुआ है स्कॉर्पियो का, नया वाला इंजन जो आया हुआ है, काफ़ी कम माइलेज निकाल के दे रहा है। ये M2DI अपने वेरिएंट का सबसे अच्छा वेरिएंट और सबसे अच्छा माइलेज ना, माइलेज के नाम पे भाई यही है स्कॉर्पियो में जो माइलेज निकाल के देता है। बाकी अभी जो आए हुए हैं नए स्कॉर्पियो वो सब खत्म है माइलेज के नाम पे। बाकी लुक वाइज काफी अच्छे दिखते हैं। अब आते हैं भाई इस स्कॉर्पियो में, इसके बारे में बताइए भैया कुछ। ये भी 2013 मॉडल सेकंड ओनर गाड़ी है। 2013 मॉडल, हाँ, CG13 रायगढ़ पासिंग, और इसका भी प्राइस 5.5 के आसपास। तो ये भी भाई 5.5 लाख में आपको देखने को मिलेगी। और इसमें देख लो ग्रिल्स रीपेंटेड है, ये एक बार रीपेंटेड गाड़ी है। बाकी आइटम पूरे नए से लगा के दिए हैं। ये भी भाई काफी तगड़ा इंटीरियर है। थोड़े मोड़े जो काम है ये सब आपको यहाँ से करवा के दिए जाएंगे, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खोला हुआ है भाई, नए लगेंगे इसमें बैकलाइट। अच्छा, ये सब नए लगने के लिए खोले हुए ना जी। तो भाई आज के कलेक्शन के लिए इतना ही, बाकी जैसे ही कलेक्शन आएगा मकसूद भी आपने को बुलाएंगे और अपन फिर से कलेक्शन को आपको दिखाएंगे आपके डिमांड पे। तो भैया मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब गाड़ियों के बारे में भैया फाइनेंस वगैरह का क्या डिमांड है? हो जाएगा सब? सब फाइनेंस हो जाएंगे, सब फाइनेंस अवेलेबल है। और आगे चल के और भी नए नए रेंज आएंगे गाड़ियों के, अब कुछ दिनों में बाइक्स भी आएंगे, बाइक्स भी आने वाले हैं। तो भाई बाइक्स भी आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, तो बाइक्स की वीडियो भी बनेंगी भाई जल्दी ही। तो ये थी आज की कलेक्शन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।